पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच हुई हाथापाई के बाद मामला शांत। कोर्ट में वकील और पुलिसकर्मी कर रहे शांतिपूर्वक काम। वकीलों का कहना, काम चल रहा सुचारू रूप से। जल्द से जल्द हटाया जाए सीमापुरी में अतिक्रमण। निगम ने इलाके के लोगों को दी मुनादी, अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो निगम करेगा कार्रवाई। अतिक्रमण से लोगों को आने जाने में होती है परेशानियां। कस्तूरबा नगर हिंसा मामले में चार्जशीट हुई दाखिल। 762 पेज की चार्जशीट में दरिंदगी का कच्चा चिट्ठा। जुविनाइल कोर्ट में चलता रहेगा केस। 3 साल की सजा के बाद भेजा जाएगा बाल सुधार। दिल्ली सरकार ने किया बड़ा बदलाव। ई रिक्शा चलाने के लिए भी लेना होगा ड्राइविंग लाइसेंस। चालकों ने कहा, सरकार लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को करे आसान। रेहड़ी पटरी वालों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। बिक्री समय समाप्त होने के बाद छोड़ना होगा बिक्री स्थल। स्ट्रीट वेंडरों का कहना, सामान बिकने में लग जाते हैं कई घंटे। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली स्थित कड़कड़ुमा कोर्ट में हुई हाथापाई के बाद अब कोर्ट का काम सुचारू रूप से चल रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को सुबह कुछ वकीलों ने परिसर में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उनका आरोप था कि उनके एक साथी को नंद नगरी पुलिस थाने के SI सचिन डांगी ने पीटा है। इस दौरान वकीलों ने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी कर दी। हालांकि मामला अब शांत हो गया है। इस बारे में वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट जज को भी शिकायत दी थी, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया था। इस पूरे मामले पर हमने वकीलों से बात की तो वकीलों का कहना है कि अब सब कुछ समान है। वकील हो या फिर पुलिसकर्मी वाले, हम सभी कानून के दायरे में आते हैं और दोनों को ही कोर्ट में आना अनिवार्य है और हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होकर ही काम करना पड़ेगा, तभी हम किसी को न्याय दिला सकेंगे। ऐसे में अगर पुलिसकर्मी और वकील आपस में लड़ते रहेंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अब दोनों के बीच शांति का माहौल है। एडवोकेट नीरज झा ने SI सचिन डांगी के खिलाफ दायर शिकायत को वापस ले लिया है। इस पूरे मामले पर एडवोकेट नीरज कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अब आपसी सहमति से इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। देखिए, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। एक जो ये लव हेट रिलेशनशिप रहा है वकीलों और पुलिस ऑफिशल्स के बीच में, ये हम इतिहास में बहुत बार देख चुके हैं। चाहे वो 2019 के का वायलेंस हो, 30,000 कोर्ट्स वाला, या चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें इसका एहसास होना चाहिए, समझनी चाहिए कि पुलिस वाले और वकील दोनों ही एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का इंटीग्रल और इसेंशियल पार्ट हैं। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं पब्लिक को इंसाफ दिलाने में, और इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करें और इक्वली कंट्रीब्यूट करें। जहाँ तक कि कल के इंसिडेंट की बात रहती है, पता लगा है कि किसी पुलिस वाले ने किसी एडवोकेट के ऊपर हाथ उठाया है, ये सरासर गलत है। किसी पुलिस वाले को अधिकार नहीं है हिंसा दिखाने का ऐसा एक पब्लिक कोर्ट में। कल की जो प्रतिक्रिया हुई है, जिस हिसाब से जो भी मैटर हुआ है, बहुत गंभीर है। देखा जाए तो दोनों पुलिस और वकील दोनों एक न्याय के लिए बहुत अहम हिस्सा है, और अगर इस तरीके से दोनों पुलिस और वकील के बीच ऐसी चीज़ें होंगी तो आम आदमी का न्याय पे से विश्वास उठ जाएगा। तो देखा जाए, कल की मीटिंग में भी यही बात चली है कि दोनों को सुचारू रूप से तरीके से काम करना है, और जो भी इसके लिए आरोपित पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। EDMC ने सीमापुरी के रोड नंबर 70 पर मुनादी दी है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों की चेतावनी से जल्द अवैध अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो निगम द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर आपके सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा। आप वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं कि निगम के कर्मचारी मुनादी पर लोगों को सचेत कर रहे हैं, ताकि समय रहते लोग अपने सामानों को सुरक्षित जगहों पर रख सकें। और ऐसा नहीं है तो अतिक्रमण सिर्फ पूर्वी दिल्ली में ही है, अतिक्रमण की मार पूरी राजधानी झेल रही है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले अतिक्रमण को लेकर जहांगीरपुरी में निगम ने अभियान चलाया कि जिसे कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है। ईस्ट MCD के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि अतिक्रमण किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इससे हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहेगी और आने जाने वाले वाहनों और साथ ही पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निगम ने पूरे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। हम लोग लगातार पूर्वी दिल्ली की जनता को अतिक्रमण से निजात दिलवाने में लगे हैं। उसी कड़ी में आज दोनों DC को बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई
और उनसे बातचीत में हमने कहा है कि लोगों को परेशानी ना हो, आने जाने में परेशानी ना हो, जाम ना लग पाए, ऐसे जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण किया, वहाँ से अतिक्रमण को शीघ्र हटाने का हमारा दायित्व बनता है और हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमने कहा कि एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। मुझे शायद नॉर्थ के डीसी ने बताया कि लगातार हम लोग अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करें। हमने 11 तारीख को सीलमपुर में, 12 तारीख को जाफराबाद में, 13 तारीख को सुंदरनगरी में, और लगातार कार्रवाई चल रही है। शारदा साउथ ने बताया गीता कॉलोनी में अभी कली कार्रवाई की गई है, कृष्णा में कार्रवाई चल रही है, तो हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। हाँ, मैंने कहा इसमें बहुत तेज़ी लाई जानी चाहिए ताकि किसी भी आने जाने वाले परेशानी ना हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब जाम के अंदर एम्बुलेंस फंस गई हैं और उसके अंदर जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो, लोगों का फालतू में पेट्रोल डीजल ना फूके, लोगों का घंटों जाम में फंसने का समय खराब ना हो, अपने जहाँ जाना है समय से पहुँचें, इसके लिए हमें व्यवस्था करनी है। इसलिए अतिक्रमण के खिलाफ तेज़ी लाई जानी चाहिए और हमने इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आने वाले समय पर जहाँ जहाँ अतिक्रमण होगा उस पर कार्रवाई कड़ी की जाए। 26 जनवरी के दिन कस्तूरबा नगर में हिंसा का मामला सामने आया था, जिसमें कमरे में बंद कर बुरी तरह से महिला को पीटा गया, कैंची से बाल काटे गए, मुंह पर काली पोत कर गले में जूते चप्पलों की माला डालकर मोहल्ले में घुमाने तक का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं इस पूरे मामले पर कलकडुमा कोर्ट में इस केस की चार्जशीट दाखिल की गई है। करीब 762 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। 5 नाबालिग आरोपियों के खिलाफ भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अलग से आरोप पत्र दायर किया गया है। चार्जशीट पर हमारे संवाददाता ने वकीलों से बात की तो वकीलों का कहना है अभियोजन पक्ष अपने गवाह चार्जशीट में 48 गवाह पेश करेगा। गवाह पेश होने के बाद सुनवाई की जाएगी और इस दौरान जुवेनाइल कोर्ट में भी केस चलेगा, क्योंकि इसमें माइनर को एक्यूज बनाया जाता है और इसमें 3 साल की सजा और बाल सुधार के लिए भी भेजा जाएगा। इस केस में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जाती है। देखिए, जो चार्जशीट पुलिस द्वारा कोर्ट के अंदर सबमिट की गई है, अब उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो होती है, जो अभियोजन पक्ष होता है अपनी चार्जशीट का अब अपनी एविडेंस शुरू कराएगा। अब अपने गवाह जो उसके अंदर लगभग 762 पेज की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल करी है और लगभग 48 गवाह उन्होंने इसके अंदर रखे हैं, जिसके अंदर अब गवाही शुरू होगी। देखिए, जो धाराएं हैं वो उसके अंदर 307 भी लगी हुई है, 354 भी लगी हुई है, उसके अंदर 148, 147 भी लगी हुई है, 355 भी लगी है, कई सारी धाराएं लगी हैं, लगभग 20 से ऊपर धाराएं लगी हैं। जज के पास दो तरीके होते हैं कि एक तो जो भी वो सजा सुनाएगा उस सजा के अंदर वो या तो एक साथ भी कॉन्करेंट रनिंग ऑफ सेंटेंस भी सुना सकता है, और या वो एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा का प्रावधान भी सीआरपीसी के अंदर है, तो वो डिपेंड करेगा जज साहब की जजमेंट के ऊपर वो किस प्रकार की सजा सुनाते हैं। देखिए, जहाँ तक बात की जाए माइनर्स की, तो माइनर्स के लिए जो है मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल है, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में वापस जाना होता है, तो इसीलिए यही कोशिश की जाती है कि उन्हें सुधार गृह में भेजकर सुधारा जाए। उन्हें जो है खाली इसलिए रखा जाता है कि वो अपने अंदर सुधार लिया जाए, सुधार आ जाए उनके अंदर, तो उन्हें मैक्सिमम इतने समय में ही रखते हैं कि वो जो है अपने जो भी उन्होंने क्राइम किया है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और जो है वो अपनी सारी गलतियों को सुधार ले। दिल्ली में कहीं भी कम समय में पहुंचना हो या फिर घूमना हो, लोग ई रिक्शा ही प्रिफर करते हैं। लोगों को ई रिक्शा से आने जाने में काफी सहूलियत मिलती है, लेकिन अब बिना लाइसेंस ई रिक्शा चालकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली में 87 आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब दिल्ली में ई रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद बिना लाइसेंस के ई रिक्शा का परिचालन नहीं किया जा सकेगा। कई चालक बिना किसी ड्राइविंग लाइसेंस के भी इसे चलाने लगते हैं, लेकिन अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चालकों को परेशानी होगी। इस पूरे मामले पर जब हमने ई रिक्शा चालकों से बात की तो उन्होंने कहा कि काफी सारे लोग बिना लाइसेंस के ही रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि कई लोगों के पास पूरे कागज नहीं है, जिसकी वजह से उनका लाइसेंस बनवाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए सरकार को पहले लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान करना चाहिए। 50% बिना लाइसेंस के मान के चलो, और वैसे जो अब जो गाड़ियां आ रही हैं ये बगैर लाइसेंस के नहीं आती। हाँ जी, मांगा भी जाता है, और जैसे नहीं होता है तो जो ये रिक्शा देते हैं ना नया, वो बना के देते हैं, बनवा के देते हैं, उसके ऊपर कुछ चार्ज लेते हैं। हाँ जी, दिक्कत होती है, लेकिन वो जो बना के देते हैं ना जी, जो चार्ज लेते हैं ऊपर, वो दिक्कतें पूरी अपने दौरे से कर देते हैं। जैसे देखो जी, फैसला तो डिपार्टमेंट का सही है, देखा जाए तो क्यों कम से कम में 50-60% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बगैर लाइसेंस बैच के चल रही हैं। लेकिन अब जैसे जिनके पास लाइसेंस वगैरह है उनको तो तकलीफ है, कि उन्होंने तो पैसे लगाया गाड़ी में, लाइसेंस वाइसेंस है, कमाई उनकी भी घटी हो रही है,
तो जब्त होनी चाहिए जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खोला ई रिक्शा वालों के लिए? भाई या तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको लाइसेंस आराम से मुहैया करे, जो अनपढ़ हैं, जो बेचारे दसवीं पास नहीं हैं, उन लोगों के लिए क्या लाइसेंस दिया जाएगा? जो लोग दसवीं पास नहीं है और बेरोजगार हैं, मेहनत करके मजदूरी करके अपना काम चलाना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? भाई पहले तो कोई आदमी बेरोजगार है, पैसे थोड़े बहुत खर्च करे, अपना रिक्शा लिया और बेचारे ने अपना रोजगार चालू कर लिया। आज तो रोजगार दिल्ली सरकार तो पूरी तरह बंद कर रही है अब ई रिक्शा वालों के विचारों पर। और ई रिक्शा नहीं चलेंगे तो हमारे जैसे लोग फिर ऑटो में जाएंगे। आज CNG के दाम इतने बढ़ चुके हैं तो ऑटो वालों ने भी अपना दाम बढ़ा दिया है। जैसे खरीदने जाते हैं तो नहीं मिलता, वैसे अगर किसी के पास हम काम करने जा रहे हैं तो वैसे वो दे देते हैं रिक्शा, बगैर लाइसेंस के रिक्शा दे रहे हैं। लेकिन कुछ तो मालिक की भी गलती है, कुछ हमारी भी गलती है। देखो हम तो अपने पेट के लिए मर रहे हैं, क्या करें बताओ। नहीं लाइसेंस वाले मिलता है, लाइसेंस बनवा के देते हैं, ऑटोवाले से लाइसेंस बनता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि रेहड़ी पटरी वालों के पास बिक्री स्थल पर 24 घंटे काबिज रहने का और अपना सामान वहां रखने का कोई अधिकार नहीं है। बिक्री समय समाप्त होने के बाद उसे वह स्थल सामान के साथ छोड़ देना चाहिए। इस मामले पर रेहड़ी पटरी वाले काफी परेशान हैं। कभी अतिक्रमण की वजह से हटा दिया जाता है तो कभी उन्हें रेहड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। रेहड़ी वालों का कहना है कि अगर बिकने से पहले ही रेहड़ी को हटा देंगे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और सामान भी नहीं बिकेगा। अब हटाने से तो नुकसान ही होगा, नहीं ना हटेंगे जब दबाए रहेगा तो का नुकसान होगा भाई। हमारे बच्चे यहाँ से पल रहे हैं तो हमारे बताओ ठीक कहाँ से रहेंगे? बस भाई हमारा दाल रोटी तो यहीं से चल रहा है। अब भैया मजदूर आदमी शाम को निकलता है सब्जी लेने के लिए, अब शाम को उसे सब्जी ना मिले लेने के लिए तो फिर वो तो उसका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, क्योंकि हमारी हरी सब्जी है। इस टाइम आदमी गर्मी का टाइम है, डेली बनाता डेली खाता है सब्जी। ये फैसला गलत है उसका कोर्ट का। कम से कम 10 बजे का टाइम तो आदमी हमारे वहाँ मजदूर को मिलना चाहिए, जिससे आदमी को सब्जी ले सके और बेच सके। सब्जी को एकदम जब भी एकदम नहीं बिकती है, थोड़ा थोड़ा करके आदमी बिकती है, एकदम ज़्यादा थोड़ी के एकदम भीड़ पड़ जाए, एकदम बिक जाए। दिक्कत यही होता है, सामान जैसे तैसे फेंकने पड़ जाते हैं। महंगाई के ज़माना आ गए, सामान उल्टे सीधे आधे से ज़्यादा फेंक जाते हैं, यही परेशानी हो जाती है। और क्या, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए, हम लोग फिर क्या करेंगे बताओ। हम लोग गरीब आदमी यही से खा पी के अपना गुजारा करते हैं, अब बच्चे के खिलाते पिलाते हैं, और क्या, यही परेशानी है। जो सब्जी लाते हैं आधी सूख जाती है तो फेंकनी पड़ती है, जब सेल नहीं होती तो उसकी कस्टमर कम हो गया है लॉकडाउन के चक्कर से, आता नहीं है। जब तक दुकान बढ़ जाती है 8 बजे तक, 8 बजे 8:30 से पहले ही डर के मारे पब्लिक भी नहीं आती है, इसीलिए बंद हो जाती हैं। तो उसके चक्कर में अब सब्जी जो बच जाती है तो वो सब वेस्ट हो जाती है, क्यों गर्मी का टाइम है, रुकती नहीं है सब्जी। इस टाइम हम चाहते हैं कि जो हमारी लमसम जो सब्जी जो है लिमिट की, जो 10 बजे तक तो कम से कम टाइम होना ही चाहिए, जो कि ड्यूटी उटी वाले आते हैं तो वो 9 बजे छुट्टी होती है, 9:30-8 बजे तो उनको सब्जी मिल नहीं पाती है। लगातार बढ़ रही महंगाई से लोग परेशान हैं। महंगाई की मार खाद्य पदार्थों के साथ तेल पर पड़ रही है। सरसों का तेल हो या फिर रिफाइन तेल हो, इन सभी के रेट्स में इजाफा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि यूक्रेन के युद्ध से दाम बढ़ गए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि ग्राहक पहले के मुकाबले कम खरीदारी कर रहे हैं, रेट्स पूछकर चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि रेट्स बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ रहा है। रिफाइंडों पर ज़्यादा तेजी है, रिफाइंड वगैरह ज़्यादा तेज है। सरसों का तेल वगैरह तो नॉर्मली चल रहे हैं, रिफाइंडों पर भाव बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं। पहले 100 रुपये का जो रिफाइंड था वो आज 180 रुपये का रिफाइंड है जस्ट। हाँ जी, ये लोग शॉर्टेज दिखा रहे हैं, बता रहे यूक्रेन से लड़ाई होती है, यूक्रेन से माल आता है, ये बताते हैं लोग। पाम ऑयल भी नहीं आ पा रहा, पाम ऑयल की ज़्यादातर वहीं से आता है, वहीं से हम लोग वहीं से मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से। हाँ, रेट बहुत ज़्यादा छू रहा है मार्केट में, ग्राहक वैसे भी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है, काम भी नहीं है बाजारों के अंदर, और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई फाई हो रहा है हर चीज़ के अंदर है, घी तेल के अंदर है, मसालों में भी, ड्राई फ्रूटों में भी, सब में तेजी बहुत ज़्यादा। तेल ये है कि रोजाना रेट बढ़ते जा रहे हैं, ग्राहक आता है रेट पूछता है एकदम चल देता है। अच्छा, हाँ रेट, क्यों ग्राहक की भी गलती नहीं है, जब रेट इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी। देखो पहले कोई चीज़ 180 रुपये की थी तो वही 190-95 का रेट हो गया 15-16 रुपये लीटर में, तेज ये रिफाइंड में भी सरसों तेल में। अब हमको 200 से प्लस मिल रहे हैं सारे तेल, लेकिन ये जो हमको 160-170 मिलते थे वो 200 पे पहुँच के जो हमारे रेट बढ़े हैं, ये 25-30% जो बड़ा रेट, ये बहुत ज़्यादा घर चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। ताकि घर चलाने में हर चीज़ के बजट ही जो है हमारा 50% बढ़ता जा रहा है खर्चे का, अब वो किसको किस चीज़ में कमी की जाए या खाने में कमी की जाए तो वो उस तरीके से कम करना पड़ रहा है, जेब काट के खाना पड़ रहा है।
पूर्वी दिल्ली में पिछले काफी समय से लोग कुत्तों के आतंक से काफी परेशान हैं। शहर के कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। वहीं न्यू संजय अमर कॉलोनी की गली नंबर 10 में आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को काटकर घायल कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि वैसे ही अस्पताल में कुत्तों के काटने की बचाव की वैक्सीन नहीं है और साथ ही कुत्तों का आतंक कम नहीं हो पा रहा। शिकायत के बाद भी कोई इन्हें यहाँ से हटाने के लिए नहीं आ रहे हैं। एक एक कुत्ते हैं, दो दिन कुत्ते यहाँ पर, ये ज़्यादा काट रहे हैं, आते जाते लोगों को काटते हैं, तो वो दूसरे दरवाजे पर गाली गलौज करते हैं कि अच्छा लगता है। हम चाहते हैं सारे कुत्ते उठाए जाएँ। नहीं है किसी के पालतू नहीं है, ये लॉकडाउन में बेचारे भूखे घूम रहे थे, तो किसी दो रोटी डाल दी वो पल गए, तो बस वही अब वही आपस में लड़ लड़ के दूसरों को काट रहे हैं, उससे आम पब्लिक परेशान हो रही है और काट रहे हैं कुत्ते। ब्लेम हम पे डाला जाता है कि इनके कुत्ते हैं, जबकि वो किसी के कुत्ते नहीं आस पड़ोस के। बच्चों को भी काट रहे, कोई नया बंदा है कोई भी सब्जी वब्जी लेके जाते तो कल ही रात को शायद मेरे परसों शायद काटा है यहाँ पर। हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन लोगों को, काफ़ी कर रखी कंप्लेंट भी ऑनलाइन भी सब जगह, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सारे कुत्ते अच्छे नहीं लगते और जगह जगह गंदगी फैलाते हैं और इनको यहाँ से भेज दिया जाए। हमने कई जगह कंप्लेंट की है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। नहीं मैम पाले नहीं है, अपना आप ही आए और अपना आप ही यहीं पर रह रहे, खिला पिला देते हैं बस, और कोई बात नहीं है, मगर वो काट लेते हैं ना, यही परेशानी है, अभी इंजेक्शन भी नहीं लगे इन लोगों के। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने भी एक बार फिर से दिल्ली सरकार को बिजली के मुद्दे पर घेरा है। अनिल वाजपेयी ने कहा कि 20,000 से अधिक बिजली का बिल ऑफलाइन जमा नहीं किया जाता है और ना ही चेक और डीडी से शुरू किया जाता है, जिसके लिए व्यक्ति को साइबर कैफे जाना पड़ता है जहाँ उसे 150 से 200 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। लोगों को इस लूट से सरकार को निजात दिलानी चाहिए। वहीं हमने साइबर कैफे वालों से जाकर पूछा तो उनका कहना था कि ऑनलाइन सुविधा से काफी जनता को फायदा पहुंच रहा है, समय के साथ साथ लाइन में लगने से भी बच रहे हैं। अभी आज से कुछ दिन पहले तक अगर किसी ने कोई अपना बिल 20,000 से ऊपर का है तो वो अपना बिल बैंक ड्राफ्ट से, चेक से और पे ऑर्डर से आपका जमा करा सकता था नॉन डोमेस्टिक बिल में। अब अभी इन्होंने क्या कर दिया, कुछ महीनों से अगर 20,000 से ऊपर का बिल अगर है तो आप उसको नहीं जमा करा सकते, आपको ऑनलाइन जमा कराना पड़ेगा। कंज्यूमर 20,000 रुपये से ऊपर के बिल को लेके साइबर कैफे पे जाता है, वो 150 से लेके 200 रुपये तक चार्ज करते हैं, तो ये गलत है। पब्लिक को आप ऐसे नहीं जैसे लूट रहे हैं आप। तो मैंने उनको ये कहा है कि जो लोग ऑनलाइन जमा कराना चाहते हों वो अपना ऑनलाइन जमा करा दें, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास ये साधन उपलब्ध नहीं है और जो लोग साइबर कैफे पे नहीं जाने चाहते हैं, तो जो व्यवस्था पहले की तरह है कि 20,000 रुपये से ऊपर के बिल चेक से, पे ऑर्डर से और बैंक ड्राफ्ट से ले लें, ये मुद्दा मैंने अभी दिल्ली जो BSCS के जो CO हैं अमरजीत सिंह जी, हम सारे विधायकों ने उनके सामने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने हमसे कहा ये DRC इसके ऑर्डर करेगी, तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी पत्र लिखा है और दिल्ली सरकार को भी मैं पत्र लिखूंगा और हमारी मांग ये है कि 20,000 रुपये तक के ऊपर के बिल सेंटर पे ही जमा करे जाएं, ऐसा मेरा मानना है। जनरली इसको ऑनलाइन करने की वजह तो ये रही कि कोविड में जैसे बड़े अमाउंट के लिए चेक लिया जाता था, अब वो चेक और DD कोविड की वजह से बंद कर दिया कंपनियों ने, बहुत सारे काम अब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए हैं, तो बिजली का बिल क्यों नहीं, इसमें बहुत सारी बचत है, कस्टमर की समय की भी बचत है और कागज़ की भी बचत है और पैसा भी डायरेक्ट अकाउंट से अकाउंट में जाता है तो उनके पास रिकॉर्ड पे रह जाता है मोबाइल में ही कि भाई आपने इस चीज़ के लिए पेमेंट किया है, या उनके अकाउंट के स्टेटमेंट में आ जाएगा कि आपने इस चीज़ के लिए पेमेंट किया था। तो इसमें कस्टमर के लिए सुविधाएँ बड़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। अब इसमें जो साइबर कैफ़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। आप जाते हैं साइबर कैफ़े पे या किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन पे जो बिल विल जमा करते हैं, वहाँ पर बिल जमा करने के लिए आपसे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये चार्ज करते हैं बिल के, या फिर अमाउंट के हिसाब से भी कुछ लोग चार्ज करते हैं। जैसे 1,000 रुपये तक का बिल है तो 10 रुपये लेते हैं वो, 2,000 का बिल है तो 20 रुपये ले लिए। दरअसल उनकी जो सर्विसेज हैं, नेट, बिजली, स्टाफ, इन सब का खर्चा भी उससे पूरा नहीं हो पाता, लेकिन एक अच्छी सुविधा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।